Hello everyone, welcome to Channel Education Hotspot. And here in this video, we are going to cover important topic for sociology. अब आप सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वेदर यू आर गिविंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और यू आर गिविंग पीजीटी सोशियोलॉजी, अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर अभी झारखंड में जो लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम है, तो देयर आर मेनी एग्जाम जिसमें सोशियोलॉजी फॉर्मेट में पीजीटी आपसे जाती है. दैट्स व्हाई यहाँ पे हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज कवर कर रहे हैं, जिससे आपके छोटे छोटे वाइड स्प्रेड टॉपिक आप कवर कर सकते हैं वेरियस यूनिट सिलेबस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से. छोटे छोटे टॉपिक करके आप लोग का यहाँ पे कंटेंट कवर कराया जा रहा है. दो वीडियो में ऑलरेडी इस सीरीज में कवर करा चुकी हूँ, आई होप आपने वो वीडियो देख ली है. इस थर्ड वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा. लेट मी मेंशन इट वंस अगेन, द टाइटल इज वर्ड सिस्टम थ्योरी. कवर कर लेते हैं ये वर्ड सिस्टम थ्योरी क्या होता है. सबसे पहले तो ये थ्योरी जो बात करती है, ये एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे बात करती है. ये एक इकोनॉमिक सिस्टम की बात करती है. जो इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है कि पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं तो जिनको बेनिफिट मिलता है चीजों का, कुछ कंट्री को बेनिफिट मिलता है चीजों का बाय एक्सप्लॉइटिंग अदर. अच्छा, एक्सप्लॉइटेशन की बात कार्ल मार्क्स भी करते थे, आप लोगों को याद हो तो. सोशियोलॉजी में हम लोग इनिशियल थिंकर जो पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था ना, कार्ल मार्क्स भी कहते थे कि जो कैपिटलिस्ट है वो वर्कर क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. चलिए, तो यहाँ कार्ल मार्क्स का टॉपिक नहीं है. कुछ कंट्रीज को बेनिफिट मिल रहा है क्यों मिल रहा है, क्योंकि वो बाकी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही है, उनका शोषण कर रही है. राइट, तो एक सोशल, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में इस तरीके का सोशल चेंज हमें देखने को मिला है, जिससे बाय विच फ्यू कंट्रीज आर गेटिंग बेनिफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग द अदर कंट्रीज. चलिए अब आगे फर्दर बात करते हैं इसमें. इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, तीन पार्ट में डिवाइड किया. अच्छा, ये भी पूछ सकता है सबसे पहले तो ये कंसेप्ट दिया किसने, सॉरी फॉर द लाइक टेढ़े मेढ़े सर्कल्स, बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो, दिस कंसेप्ट वॉज गिवन बाय इमैनुअल वॉलरस्टीन. कॉपी पेन लेके बैठिए और ये सारी चीजें लिख लीजिए, इसका कोई नोट्स नहीं मिलने वाले हैं, बहुत टिपिकल कोई चीज नहीं है ये. आप लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के अगर अपने पास इनलिस्ट करके नोट्स बना लेंगे तो एट द एंड यू विल हैव इनफ टू रिवाइज. राइट, ये कंसेप्ट दिया किसने है, ये कंसेप्ट दिया इमैनुअल वॉलरस्टीन ने. और जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ हिंदी इंग्लिश, उसी में मिक्स करके लिख लूँ, सो दैट बाद में जब रीड करो लाइन बाय लाइन थोड़ा सा आसान हो जाए आपके लिए. अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोला गया, ये जो बीच में जो कंट्रीज है ना, ये कोर है, इनके बाद आती है सेमी पेरीफेरी. लेट मी राइट इट इन. चलिए दोबारा से रिक्रिएट करते हैं इसको. दिस इज द सर्कल, सेकेंड वन, and this is the third one, much better than the previous one. तो ये जो बीच में है ये कोर कंट्रीज, अभी लिख रहे हैं कोर कंट्रीज क्या है, क्या मतलब है इसका. ये जो कंट्रीज हैं ये आपकी है सेमी पेरीफेरी, सेमी मतलब आधी पेरीफेरल कंट्रीज. ये पेरीफेरी क्या होती है ये भी देखना पड़ेगा अभी हम लोग को. एंड आउटर मोस्ट जो कंट्री है वो है पेरीफेरल, पेरीफेरी वाले. पूछ सकता है अच्छा दिया किसने कंसेप्ट, इमैनुअल वॉलरस्टीन ने. सोशल चेंज की बात करता है कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक सिस्टम. तीन टाइप में कंट्रीज को, थ्री टाइप ऑफ कंट्रीज ये डिवाइड करता है, इनके नाम भी याद रखने, एमसीक्यू में पूछ सकता है कौन कौन सी, कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी. अब जो कोर कंट्रीज होती है, ये जो आप देख रहे हो जो इनर बिटवीन कोर कंट्रीज आप लिख रहे हो, ये वो कंट्री होती है जो डोमिनेंट है, बाकियों को डोमिनेट करेंगी. अच्छा, कोई भी कंट्री डोमिनेट कैसे कर सकती है, क्योंकि वो ज्यादा मॉडर्न है, कैपिटलाइज्ड है, मतलब उसके पास प्रॉफिट ज्यादा है ना, तो ये पूंजीपति है. यहाँ पे इंडस्ट्रीज हमें ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, कि इंडस्ट्री आपके यहाँ, आपके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तो आपके यहाँ काम है, पीपल विल कम टू यू, अपने रॉ मटेरियल को बेचने लोग आपके पास आएंगे, काम के लिए लोग आपके पास आएंगे, आपके पास बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं. राइट, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, आप मॉडर्न हो, क्योंकि ये सब चीजें आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया है, प्रोडक्शन है, एमएनसी है, तो इट मींस यू आर अ मॉडर्न नेशन. तो ये सब हमें कोर में देखने को मिलता है, ये सब कंट्रीज होती है कोर कंट्री. अब देखिए, जब ये कोर कंट्रीज,
ये डोमिनेंट है, कैपिटलिस्ट है, यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे एमएनसी है इस जगह पे, तो जो आउटर कंट्रीज हैं यानी कि सेमी पेरिफेरल, वहां के लोग अपना रॉ मटेरियल इनको देंगे। पहली बात तो सेमी पेरिफेरल के पास भी बहुत सारा रॉ मटेरियल नहीं होगा, वो कहाँ से लेंगे? बिल्कुल आउटर पार्ट से, पेरीफेरी से लेंगे। तो ये एक तरीके से जो सेमी पेरिफेरल होते हैं, सेमी पेरिफेरल होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो कनेक्टिंग, सेमी पेरिफेरल जो होते हैं वो एक तरीके से कनेक्टिंग वर्क करते हैं, कनेक्ट करते हैं किसको, रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल जो वो ले रहे हैं किससे, पेरिफेरी से, और फिनिश्ड गुड जो रेडी करेगा कौन, कोर। फिनिश्ड गुड के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो किसको, कोर को, कहाँ से लेके, पेरिफेरी से लेके, एक तरीके से कनेक्ट कर, राइट। अच्छा ये क्या है सेमी पेरिफेरल, तो थोड़ी अपर क्लास है, राइट, अपर क्लास है, ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डाउन रोडन क्लास में जाए, अपर क्लास। लेकिन यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन अभी इंडस्ट्रियलाइज हो गई है, कुछ इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई है, तभी इसका नाम सेमी पेरिफेरी है। बहुत डिटेल में सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखना है कि शीट भर, इतना जानू यहाँ पे कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन है बट नॉट कम्प्लीटली, डन। और ये कनेक्ट करने का काम कर रही है किसको, बिल्कुल आउटर कंट्री जो बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, यानी कि पेरिफेरल को किससे, कोर से, कैसे, उनके बीच में एक्सचेंज स्टैब्लिश करा के। फिर आते हैं हमारे पेरिफेरल नेशन, फिर आते हैं पेरिफेरल नेशन। तो पेरिफेरल की अगर हम लोग बात करें तो पेरिफेरल में डिपेंडेंट कंट्रीज जाती हैं, जो डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल का, ये अकेले क्या करेंगे, अगर पेरिफेरी या कोर आके इनसे नहीं लेके जाएगा तो ये डिपेंडेंट होती हैं, राइट। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम है क्योंकि ना तो इंडस्ट्री है ना एमएनसी है, तो अपनी खुद की तो कमाई बहुत ज्यादा है नहीं, बस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइडर हैं, तो लिविंग भी उतना ज्यादा नहीं होता है। ये मेजरली क्या करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या, अपने रिसोर्सेस को भी एक्सपोर्ट करते हैं एंड लेबर को भी एक्सपोर्ट करते हैं, तो दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द सेमी पेरिफेरल एंड कोर नेशन फॉर देयर डेवलपमेंट। डन, तीन टाइप ऑफ कंट्री, कोर, सेमी पेरिफेरल, पेरिफेरल, पेरिफेरल। ये बात किसने की है, ये बात की है इमैनुअल, इमैनुअल वॉलरस्टीन ने। क्या कंसेप्ट था ये, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। सो आई होप ये आपको समझ में आई होगी, एनी केस कोई डाउट है, और आपने लिख भी ली होगी ये भी मैं मान के चल रही हूँ, बट फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस सीरीज में इसी तरीके से हम छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, सो दैट जब भी आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टॉपिक इन कंटेंट हो, आसान भाषा में समझा हुआ, राइट। तो दिस इज ऑल, आप जो भी टॉपिक आप मुझे नेक्स्ट चाहते हैं कि मैं ये टॉपिक कवर करूँ, ये कंसेप्ट आपको समझाऊं, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कमेंट के बेसिस पे भी प्रायोरिटाइज करके टॉपिक को आगे कवर कराने की कोशिश करूंगी। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस तरीके की छोटी छोटी वीडियो रख के हम चीजों को कवर करेंगे, थैंक यू एवरीवन।